नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स पॉइंट पर। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और हमेशा की तरह लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल रिवीजन वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आगामी सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे चैनल पे इन दिनों आपको रिवीजन क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रिवीजन ना करने से सभी क्वेश्चंस भूलने लगते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। और आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट एंड मेजरमेंट पार्ट 2, यानी कि पार्ट 1 में हमने 60-65 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए थे। आज के इस वीडियो में हम टॉप 85 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। एक बहुत ही साधारण विधि मानी जाती है शरीर की ताकत मापने की, जो कि सामान्य रूप से शारीरिक पुष्टि परीक्षण का भाग है। और बात की जा रही है यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पुलअप्स व्यायाम की। किसकी बात की जा रही है? पुलअप व्यायाम की। और जो कि ऑफर्ड फिटनेस टेस्ट का, यानी कि जो सामान्य रूप से शारीरिक पुष्टि परीक्षण होता है, ऑफर की बात हम कर रहे हैं, उसका एक भाग होता है पुलअप्स। आपको बता दें ऑफर का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। यह मोटर फिटनेस टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें जो 6 बैटरीज का यूज़ किया जाता है वो क्या होते हैं? देखिए पुलअप्स फॉर बॉयज़, जो कि नंबर 1 ऑप्शन है। देन फ्लेक्स्ड आर्म हैंग फॉर गर्ल्स होता है, आपको हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में। देन सेकेंड नंबर पे होता है फ्लेक्स्ड लेग सिटअप्स। थर्ड नंबर शटल रन। फोर्थ नंबर स्टैंडिंग लॉन्ग जंप और ब्रॉड जंप। फिफ्थ नंबर 50-yard डैश। और सिक्स नंबर 600-yard रन इसमें शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। अधिकतर परिभाषाओं के अनुसार फिटनेस, यानी कि फिटनेस जो होता है टोटल, यानी कि सर्वांगीण विकास है। इस प्रकार फिटनेस को आप किस रूप में समझते हैं? तो फिटनेस का सीधा सीधा मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर्वांगीण विकास, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आसन का प्रयोग अधिक प्रचलित है जब शरीर के आसन के परीक्षण का मुख्य मूल्यांकन होता है? और किस आसन में शरीर के परीक्षण का मुख्य इवेल्युएशन किया जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हियर, खड़े होने का आसन। नेक्स्ट, फ्रेंच शॉर्ट सर्विस परीक्षण का प्रयोग बैडमिंटन खेल में सर्विस करने की किस योग्यता का मापन करता है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, नीची। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फ्रेंच शॉर्ट सर्विस परीक्षण का प्रयोग किस खेल की सर्विस करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो बैडमिंटन खेल में यूज किया जाता है। नेक्स्ट पुलअप्स, पहले ही हमने आपको बताया है पुलअप्स फॉर बॉयज एंड फ्लेक्स्ड आर्म हैंग फॉर गर्ल्स, जो कि ऑफर, यानी कि अमेरिकन अलायंस हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन यूथ फिटनेस टेस्ट का एक भाग होता है। तो इसका प्रयोग मुख्यतः किसके मापन के लिए होता है? आपको बताना है कि इसका प्रयोग किसके लिए होगा। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, हाथों और कंधों की ताकत को मापने के लिए ये किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट हेलमेन वॉलीबॉल परीक्षण किससे बना है? कौन से स्किल्स इसमें शामिल किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, ओवरहैंड वॉली, बम्प टू सेल्फ और वॉल स्पाइक। ये तीनों टेस्ट बैटरीज इसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे किफ़ायती और सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल करने की विधि जिसका उद्देश्य शरीर की संरचना को मापना है, निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, स्किन फोल्ड कैलिपर की बात यहाँ पे की जा रही है, जिसका उद्देश्य शरीर के जो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोटाई को मापने से रिलेटेड यंत्र कौन है या वसा को मापने का यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्किन फोल्ड कैलिपर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडमिल टेस्ट का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, दौड़ यानी रनिंग में किया गया कार्य। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, नॉक्स परीक्षण किस खेल का कौशल परीक्षण है? एंड द करेक्ट आंसर बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परीक्षणों में से किसका प्रयोग प्रदर्शन को मापने के लिए नहीं होता है? ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अंतर अभिवृत्ति, यानी कि एप्टीट्यूड परीक्षण जो होता है वो मेजरमेंट के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलर वॉल वॉली परीक्षण का संबंध किस खेल से है? बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है, कई बार आप इसको गलत कर देते हैं।
कि ये वॉलीबॉल से संबंधित है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं, इट इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। जी हाँ दोस्तों, मिलर वॉलीबॉल परीक्षण का संबंध बैडमिंटन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट प्राचीन यूनानियों को किसके मापन का पंडित समझा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, शारीरिक प्रकारों का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, पूरा पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। जजों यानी निर्णायककर्ताओं द्वारा दी गई रेटिंग्स कभी कभी किसके लिए मानक के रूप में समझी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, खेल कौशल परीक्षण। 4x10 शटल रन की बात यहाँ पे की जा रही है कि ये जो टेस्ट होता है वो किस मोटर फिटनेस एबिलिटी को मापता है। तो सीधी सी बात है, ये चपलता यानी कि एजिलिटी को मेजर करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट होता है। पैरों की ताकत मापने के लिए समझ ही गए होंगे आप, डायनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। परीक्षण की कौन सी दो विशेषताएं एक दूसरे से बहुत ही बारीकी से संबंधित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। टूर्नामेंट स्टैंडिंग कार्य करते हैं और किसके लिए मानक सेट बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, वैलिडिटी का निर्माण करते हैं। टूर्नामेंट जो होते हैं वो एक स्टैंडर्ड सेट के रूप में काम करते हैं और वैलिडिटी का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से किसको क्वांटिटेटिव, यहाँ पे गुणात्मक परीक्षण कह रहा है, तो क्वालिटेटिव से मतलब है कि क्वालिटेटिव परीक्षण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, शूटिंग की योग्यता बास्केटबॉल में। मोटर क्षमता परीक्षण और एथलेटिक कौशल टेस्टों को प्रतिक्रिया के निर्माण के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, क्वांटिटेटिवली। जी हाँ दोस्तों, मात्रात्मक यानी कि मोटर क्षमता परीक्षण और एथलेटिक स्किल टेस्ट की बात की जा रही है कि उनको किस तरह से रेटिंग की जाती है, तो क्वांटिटेटिवली यानी मात्रात्मक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मापन के संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, डायग्नोसिस इज नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू द मेजरमेंट। सबसे अच्छा मूल्यांकन का रूप कौन सा समझा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, अच्छे मानदंड पर जो आधारित होता है, जो भी क्राइटेरिया होते हैं, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं इवैल्यूएशन के, उन पे जो खरा उतरता है वही एक अच्छा मूल्यांकन कहलाता है। मापन को तथ्य खोजने वाला माना जाना जाता है क्योंकि यह विशुद्ध रूप से देती है। एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स की बात की जा रही है, स्टैटिस्टिक टेक्निक संलग्नित होती है पता लगाने के लिए ऑब्जेक्टिविटी एक परीक्षण का। और करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी, कोरिलेशन से इसका संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षण के नाम किसको आधार बिंदु मानकर कार्य करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, उम्र, लिंग और ग्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करके पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप पूरा पूरा जरूर देखिएगा। एक परीक्षण का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस प्रतिबिंब को कम महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, प्रदर्शन की गति को। एक आरामदायक और ध्यानपूर्वक मोटर कौशल सीखने के तरीके को कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, इसे मोटर शिक्षणीयता के नाम से जाना जाता है। शारीरिक फिटनेस के कौन से घटक को ब्रिजअप परीक्षण के द्वारा मापा जाता है। बात की जा रही है यहाँ पे ब्रिजअप परीक्षण की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, फ्लेक्सिबिलिटी। सामान्य रूप से एक सहन क्षमता यानी एंड्योरेंस पर आधारित मेजरमेंट या टेस्ट जो होता है दावा करता है कि एक व्यक्ति की किस योग्यता को मापा जाता है। देखिए सहन क्षमता में, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर कि जितना अधिक देर तक संभव हो सके दर्द या थकान की स्थिति में भी कार्य करने की क्षमता को सहन क्षमता के रूप में जाना जाता है। यानी कि एबिलिटी ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट फैटिक यानी थकान की अवस्था में भी कार्य करने की क्षमता को सहन क्षमता कहते हैं। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में बेंच की ऊंचाई कितनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 20 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल पास परीक्षण जो कि स्कॉट मोटर योग्यता का एक भाग है, उसका प्रयोग किस योग्यता के मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, हैंडलिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बॉल। हिक्स बैडमिंटन टेस्ट में कितने टेस्ट आइटम्स शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 3 इज करेक्ट हियर, निम्नलिखित क्रियाओं में से वह क्रिया कौन सी है जो हाथ परीक्षण का भाग नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, टाइपिंग। एक सिटअप यानी कि जिसकी अवधि 30 सेकेंड है उसका प्रयोग किसके मापने के लिए होता है, और बात की जा रही है सिटअप्स की, तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी, पेट की ताकत, सहन क्षमता और गति को मापने के लिए सिटअप्स लगाए जाते हैं।
कूपर एरोबिक टेस्ट किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी समझा जाता है? सभी उम्र के व्यक्तियों और दोनों लिंगों के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉट मोटर एबिलिटी। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो कूपर 12 मिनट परीक्षण होता है, कूपर एरोबिक टेस्ट जो होता है, तो ये हृदय या फेफड़ों की सहन क्षमता यानी एंड्योरेंस के लिए किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सभी उम्र के व्यक्तियों और दोनों लिंगों यानी मेल और फीमेल के लिए ये किया जाता है। स्कॉट मोटर एबिलिटी परीक्षण के 3 टेस्ट आइटम्स का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, हर्डल रेस, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप एंड बास्केटबॉल थ्रो इज करेक्ट आंसर। जब विद्यार्थियों को जिग जैग रन के लिए कहा जाता है तो जिग जैग का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे चपलता की बात यहाँ पे की जा रही है, यानी कि एजिलिटी। निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में चपलता मुख्य रूप से भूमिका निभाती है? तो जिम्नास्टिक इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे सी आर टेस्ट बैटरी का प्रयोग व्यक्ति की किस योग्यता का पता लगाता है? जे सी आर का फुल फॉर्म हम आपको बता दें, दैट वर्टिकल जंप चिनिंग अप एंड शटल रन। ओके फ्रेंड्स, और ये जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट के मेजरमेंट के लिए होता है। तो इसकी जो इस टेस्ट बैटरी का प्रयोग व्यक्ति की किस योग्यता का पता लगाने के लिए होता है? तो करेक्ट आंसर आपने गैस ही कर लिया होगा, मोटर फिटनेस के लिए होता है। 9 से 17 उम्र के लड़कों और लड़कियों की एंड्योरेंस का पता लगाने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस आपको कम ही देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, एंड्योरेंस का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे 600 मीटर दौड़ या पैदल चाल की बात यहाँ पे की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सी आइटम स्मृथलेस फ्रेंच उपलब्धि परीक्षण जो कि हॉकी से संबंधित है का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, दूरी के लिए स्कूपिंग। वार्नर परीक्षण जो कि फुटबॉल कौशल को मापता है, उसमें कितने टेस्ट आइटम सम्मिलित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 7 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, किनकी योग्यता को बढ़ाने के लिए शर्मन टाइम्ड निरंतर रैली परीक्षण किया जाता है टेनिस के खेल में? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, कॉलेज की लड़कियों के लिए। फुटबॉल पर आधारित जो वार्नर कौशल परीक्षण होता है उसमें किकिंग की आवश्यकता किस लिए होती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, दूरी के लिए दाएं पैर से, किकिंग के लिए बाएं पैर से और समयानुसार डिब्लिंग के लिए। नेक्स्ट, ब्रेडमेयर एथलेटिक एग्रेशन चेकलिस्ट किसके आकलन के लिए योग्य परीक्षण होता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, बी और सी दोनों के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण रूप से आवश्यक है आत्म अवधारणा यानी निर्भरता को विकसित करने के लिए? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, मोटर कौशल प्रदर्शन, स्किन फोल्ड कैलिपर। जी हाँ दोस्तों, हमने पहले ही आपको बताया था स्किन फोल्ड कैलिमीटर का प्रयोग किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, चमड़ी के नीचे के मोटे उत्तक के लिए। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट माप जब ही सबसे सही माना जाता है, जब ये माप, और क्या होगा देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, जब ये माप सटीक उपकरणों की सहायता से लिए गए हो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। विस्कॉन्सिन बाल परीक्षण जो कि टेनिस खेल में सर्विस से संबंधित है बना है? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, तार्किक रूप से। पेट्री वॉलीबॉल सर्विस परीक्षण वॉलीबॉल में सर्विस करने की किस योग्यता को मापता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, सभी, यानी कि ओवरहेड सर्विस, अंडरहेड सर्विस, साइड आर्म सर्विस, सभी योग्यताओं को मापता है। ब्रेडी वॉलीबॉल परीक्षण जिसको अल्टरनेट कांट छांट किया गया है, किस कौशल के लिए सबसे प्रयुक्त होता है? एंड द करेक्ट आंसर, ग्रेड का निर्धारण करने के लिए। रेनर मार्टिन खेल प्रतियोगिता चिंता परीक्षण SCAT शुरुआत में किसके लिए बना था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 10 से 15 साल के बच्चों के लिए। एक सामान्य तरीका जिसका प्रयोग आक्रामक शैली के मूल्यांकन के लिए होता है। एंड सही आंसर आपने गैस ही कर लिया होगा, कागज और पेंसिल परीक्षण इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्किन फोल्ड कैलिपर का उपयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, हथेली। और इसके अलावा देखिए, पेट, बाइसेप्स और पिंडली की मांसपेशियां यानी काफ मसल की बात यहाँ पे की जा रही है, इन जगहों से स्किन फोल्ड कैलिमीटर का प्रयोग का उपयोग किया जाता है, माप लिया जाता है। एक उपकरण का भाग जिसका प्रयोग व्यक्ति की काम की गई इकाइयों का मापन करता है, किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, एर्गोमीटर की बात यहाँ पे की जा रही है। क्वीन कॉलेज स्ट्रिप टेस्ट का प्रयोग किसका मापन करता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, कार्डियो
कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस, किस केस के मामले में हम परीक्षण का उपयोग नहीं करते हैं? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जब विचरण यानी कि वेरिएंस बड़ा होता है उस केस में। स्थिरता की डिग्री का पता लगाने के लिए जब मेजरमेंट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है तो कौन सा माध्यम इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, रिलायबिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है फ्रेंड्स, पूरा पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। लचीलेपन और संतुलन के लिए निम्नलिखित परीक्षणों में से कौन सा संबंधित होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, सिट एंड रीच टेस्ट इज यूज्ड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। प्रतिक्रिया समय यानी कि रिएक्शन टाइम को मापने का टेस्ट निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, रूलर ड्रॉप परीक्षण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परीक्षण कोऑर्डिनेशन को नहीं मापता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, वर्टिकल जंप। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण जे जॉनसन मोटर शिक्षणीयता परीक्षण का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, वर्टिकल जंप। मैकडोनाल्ड फुटबॉल परीक्षण शामिल करता है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, फुटबॉल बॉल को बॉलिंग करना और बैकबोर्ड के विरुद्ध। दिस इज करेक्ट आंसर। ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट परीक्षण का इस्तेमाल किसके मापने के लिए होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, मोटर फिटनेस टेस्ट। दिस इज करेक्ट आंसर। UPTGT 2021 में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह कौन सा परीक्षण है जो हृदय की दक्षता को मापता है? और हृदय की दक्षता मेजरमेंट का नाम लेती ही आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, कूपर टेस्ट। पहले ही हमने आपको बता दिया है हृदय या फेफड़े की सहन क्षमता को मापने में प्रयोग होता है कूपर टेस्ट। विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी दर्शाती है, और क्या दर्शाती है? देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, प्रदर्शन में निरंतरता। नेक्स्ट, मांसपेशी प्रतिभा को मापने का परीक्षण जुड़ा हुआ है। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एप्टीट्यूड से। चेपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट का प्रयोग किस कौशल का टेस्ट करता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, हॉकी। किसको एंथ्रोपोमेट्री का पितामह या पिता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, एल्फोंस बर्टिलन। किस परीक्षण में, कौन सा परीक्षण है जो कि एंजाइटी को नहीं नापता है? देखिए एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, BIDR यानी कि SAI, STAI और SCAT जो होते हैं, ये चिंता यानी कि एंजाइटी को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा टेस्ट है जो एग्रेशन को मापने के लिए प्रयोग होता है? तो देखिए कौन सा है जो एग्रेशन को मापता है, और बात की जा रही है यहाँ पे आक्रामकता की, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, BIDR। तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में बोला गया था कि जो एंजाइटी को नहीं मापता है वो है BIDR, क्योंकि BIDR जो होता है वो एग्रेशन यानी आक्रमणता को मापने का एक टेस्ट होता है। संतुलन को मापने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोक स्टैंड टेस्ट इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमने कल के वीडियो में आपको होमवर्क भी दिया था कि लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी का मूल्यांकन किसके किससे किया जाता है। एंड द गोनियोमीटर इज करेक्ट आंसर। ऑफर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले ही हमने आपको बता दिया है, अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक व्यक्ति द्वारा बनाए गए सभी स्कोर का योग जो कि सभी परीक्षणों से हो को प्रयात्मक स्थिति में शामिल करने को क्या कहा जाता है? एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, स्टैंडर्ड प्राप्तांक स्कोर यानी कि नॉर्म्स के नाम से इसे जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग एजिलिटी को मापने के लिए होता है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टोक स्टैंड टेस्ट। निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग मोटर क्षमता पता लगाने के लिए नहीं होता है बोला जा रहा है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेथनी जॉनसन टेस्ट। इसके अलावा जितने भी दिए हैं वो मोटर क्षमता के लिए यूज किए जाते हैं। SAT की तरह के परीक्षणों का इस्तेमाल मापता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, एप्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मापने के लिए देखिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। पहले भी ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है। लिखित परीक्षा की विश्वसनीयता का उद्देश्य निर्धारित होता है, और किससे निर्धारित होता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, सभी पे, यानी कि बार बार परीक्षण, स्प्लिट आवर्स, बराबर रूप से परीक्षण, ये सभी रिलायबिलिटी के उद्देश्य होते हैं। एक्रोमेट्री एक तरीका होता है जिसके द्वारा मापा जाता है, और किसे मापा जाता है? देखिए फेफड़ों की क्षमता यानी कि लंग कैपेसिटी, या किया गया कार्य जो होता है रनिंग
में रनिंग के दौरान किया गया कार्य भी एर्गोमीटर के द्वारा मापा जाता है। स्कूली बच्चों में गलत मुद्रा यानी बैड पोस्चर होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। पढ़ने, बैठने, खड़े होने और चलने की बुरी आदतों के कारण बैड पोस्चर हो जाता है। किसके मापन के लिए पेडोग्राफ का प्रयोग किया जाता है? एंड करेक्ट आंसर फ्लैट फुट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉस बेबल टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कम से कम मांसपेशियों की शक्ति यानी कि न्यूनतम मांसपेशी शक्ति यानी कि मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ को मापने के लिए क्रॉस बेबल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपने वीडियो पूरा देखा होगा। कूपर 12 मिनट चाल परीक्षण क्या मापता है? कई बार हमने आपको बता दिया, आज ही के वीडियो में 2-3 टाइम्स हमने डिस्कस किया है कि कूपर 12 मिनट जो रन या चाल टेस्ट होता है तो वो क्या मेजर करता है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और आपके रिवीजन के पर्पज से ये वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोस्तों, तो वीडियोस को जरूर देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए सभी स्टडीज ग्रुप में ताकि सबको ये वीडियोस मिल सके। मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।